मायरा अपनी माँ सुशीला के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सुशीला बहुत गरीब थी और बीमार भी। ऐसे ही एक दिन सुशीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुशीला अपनी बेटी मायरा से बोलती है, बेटी मेरे जाने का समय आ गया है, लगता है मैं तुझे बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी। तेरे बाबूजी को मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं तुझे छोड़कर तेरे बाबूजी के पास जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बेटी। ऐसा मत बोलो माँ, मुझे आपके साथ रहना है। अगर आप मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मायरा मेरी बच्ची, अब तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। मैं भगवान के पास जाकर उनसे बोलूँगी कि वो तुझे कभी दुख ना दे। अगर तू दुखी रहेगी तो मैं भी तेरे बाबूजी के साथ भगवान के पास कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर मायरा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है। परंतु जब तक डॉक्टर घर आते हैं, तब तक सुशीला इस दुनिया से जा चुकी होती है। और डॉक्टर सुशीला की नब्ज चेक करके मायरा से बोलती है, मायरा तुमने मुझे यहाँ बुलाने में देरी कर दी, अब तुम्हारी माँ हमारे बीच नहीं रही। आप तो डॉक्टर है ना, आप तो इंसानों को इलाज करके ठीक कर देती हो, मेरी माँ को भी ठीक कर दो ना। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय और कोई नहीं है, मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मायरा अपनी माँ के मरे हुए शरीर के साथ लिपटकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मायरा अपनी माँ को नहीं भूल पाती। अब मायरा की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। मायरा की माँ के जाने के बाद कोई भी उसको खाने पीने के लिए नहीं पूछता था, और मायरा कभी मंदिर से तो कभी किसी के घर से खाना चोरी करके खाती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, मायरा के घर की छत टपकने लगती है, जिसके बाद मायरा बाहर एक गाड़ी के नीचे छुपकर बैठ जाती है और तारों को देखकर खुद से बोलती है, माँ भी बाबूजी की तरह एक तारा बन गई। भगवान जी आप मुझे भी एक तारा बना दो और मुझे मेरी माँ और मेरे बाबूजी से मिलवा दो। मायरा बेचारी तारों की ओर देखती है और अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। और आंखें बंद होते ही मायरा के सपने में स्वर्ग लोक से एक देवी आती है और वो मायरा से बोलती है, मायरा मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने भेजा है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना रहने के लिए घर है, इसलिए मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं जिसे भी छू लूं वो सोना बन जाए। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। इतना बोलकर स्वर्गलोक से आई देवी चली जाती है और मायरा की आंखें खुलती हैं। जब मायरा की आंखें खुलती है तो वो खुद को उसी हालत में पाती है। शायद मैं कोई सपना देख रही थी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सपना सच हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस गाड़ी को छू कर देखती हूँ कि ये सोना बनती है कि नहीं। इतना बोलकर मायरा उस गाड़ी पर हाथ रखती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ ये गाड़ी सोने की बन जाए। मायरा के इतना बोलते ही पूरे की पूरी गाड़ी सोने की बन जाती है, जिसके बाद मायरा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। जिसके बाद मायरा अपने घर को छूती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ मेरा ये टूटा हुआ घर एक सोने का घर बन जाए और उसके अंदर की सारी चीजें सुनहरी हो जाएं। मायरा के इतना बोलते ही उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसके घर के साथ साथ उसके अंदर की सारी चीजें सोने की बन जाती है। मायरा का सुनहरा घर देखकर उसके घर के आसपास के लोग उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे मायरा बेटी, पलक झपकते ही ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा घर सुनहरे सोने का बन गया और उसके अंदर की सारी चीजें भी सोने की हो गई? काकी
मेरी माँ की वजह से मुझे ये वरदान मिला है, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर मायरा बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस गांव की हो? जब तुम्हारे पास इतना अच्छा वरदान है तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। कैसा फायदा काकी? मायरा बेटा, तुम हम सबकी मदद करने की सोचो। तुम सबकी मदद करोगी तभी तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक काम करो, इस पूरे शहर को सुनहरा शहर बना दो, ताकि दूर दूर से लोग हमारे शहर को देखने के लिए आए और हमारा गांव नामी हो जाए। गांव वालों की बातों में आकर मायरा भी बिल्कुल वैसा ही करती है और अपनी इच्छा बताते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ मेरा ये गांव एक सुनहरा शहर बन जाए, यहाँ की हर एक चीज सुनहरी हो, ताकि मेरे गांव वालों को सोने की कमी ना हो और दूर दूर से लोग हमारे सुनहरे शहर को देखने आए। मायरा के इतना बोलते ही गांव की हर एक चीज सुनहरी हो जाती है। वहाँ के घर, बर्तन, मटके, बिस्तर, यहाँ तक कि पानी भी सोने का हो जाता है। सब कुछ सोने में बदल जाता है। जब ये सब कुछ गांव वाले देखते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं। और गांव की एक बूढ़ी औरत मायरा के पास आकर बोलती है, मायरा बेटा, तुम्हें ये वरदान तुम्हारे भले के लिए मिला था, ताकि इस वरदान से तुम किसी मजदूर और बेसहारा की सहायता कर सको। पर तुमने गांव वालों की बातों में आकर इस गांव को सुनहरा शहर बना दिया। पगली, गांव वाले लोग ये भूल गए हैं कि खाना पीना सोना चांदी से ज्यादा जरूरी होता है। देखो, अब गांव में एक बूंद पानी नहीं है, अब इंसान क्या पिएगा? इसलिए मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तुम इस शहर को ठीक कर दो। लेकिन दादी माँ, ये मेरे बस में नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे। इतना बोलकर मायरा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बूढ़ी औरत से बोलती है, मुझे तो बस प्यार चाहिए था, पता नहीं वो प्यार मुझे कब मिलेगा। ऐसे तो मेरे गांव वाले भी एक एक करके प्यास से मर जाएंगे, अब मैं इन सब की जान कैसे बचाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये वरदान। मायरा के इतना बोलते ही बूढ़ी औरत स्वर्ग लोक की देवी बन जाती है और वो मायरा से बोलती है, मायरा, मैं तुम्हें जो समझाना चाहती थी और जिस वजह से मैं यहाँ आई थी, मेरा वो काम पूरा हो गया और तुम्हारे कहने पर मैं तुमसे अपना ये वरदान वापस लेती हूँ और तुम्हें हमेशा खुश और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें सिर्फ खुशियाँ, तरक्की और साथ ही बहुत सारा प्यार मिलेगा। इतना बोलकर स्वर्ग की देवी वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मायरा का गांव पहले की तरह नॉर्मल गांव हो जाता है।